एवरीवन, दिस इज रितु एंड आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज 1 फरवरी है, सो दिल्ली पुलिस के मेडिकल फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं आज नहीं गई थी और मैं कल जाऊंगी, बिकॉज थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं आज नहीं गई। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं आज नहीं गई, और मेरे घर पे पुलिस वेरिफिकेशन आ चुका है और सभी की स्टार्ट भी हो चुका होगा शायद आना। सो धीरे धीरे वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने उनसे पूछा भी था, जो पुलिस वाले मेरे यहाँ आए थे, कि कब तक सबमिट हो जाएगा, तो उन्होंने बोला था कि अभी 1-2 दिन में ये दिल्ली में पहुँच जाएगा। सो बेसिकली प्रोसेस ये था कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से रेडी रखने पड़ेंगे, जैसे कि मूल निवास आपका, और उसकी जेरोक्स आप लोग पहले से करवा के रखिएगा, और आपका एक फ़ोटो लगेगा, और जन्म प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड, और OBC का या आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट आप लोग जेरोक्स करवा के पहले से रखिएगा। और फिर उसके बाद आपको जो आपने उसमें पुलिस वेरिफिकेशन में 2 लोगों के नाम लिखे होंगे जो आपके जानकार हैं आस पड़ोस की, सो आप लोग उनका आधार कार्ड और उस आधार कार्ड की कॉपी, ये आप लोग अभी से करवा के रख लीजिएगा, ताकि जब पुलिस वाले आए तो ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम ना हो। मेरे साथ यही हुआ था, जो मुझे पता नहीं था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। सो वो सडनली आए और उनका भी टाइम थोड़ा लग गया, 1 आधा घंटा ज़्यादा लग गया था, वरना 5 मिनट का काम था, वो जल्दी प्रोसेस पूरा कर देते। फिर उन्होंने पड़ोसियों से मैंने जेरोक्स, उनका आधार कार्ड मंगवाया और जेरोक्स करवाई। देन फाइनली उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया मेरा और मेरे 2-4 जगह साइन करवाए। फिर साइन के बाद उन्होंने प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था। और इसी तरीके से आप लोग भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से ही कंप्लीट रखिए, कॉपीज कंप्लीट रखिए उसकी, ताकि दिक्कत ना आए। और टाइम पे आप लोग अपना मेडिकल फॉर्म है वो भी सबमिट करवा दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो भी कुछ आप लोगों को इसके रिगार्डिंग पूछना है पुलिस वेरिफिकेशन के, सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।